हेलो फ्रेंड, नीटिंग डिज़ाइन में देखिए प्यारा सा खूबसूरत दो कलर की डिज़ाइन, बहुत ही खूबसूरत और प्यारी सी मेरी ये डिज़ाइन है। इसे आप किसी भी स्वेटर में, कार्डिगन पे, जैकेट पे, कहीं भी बनाइए, जेंट स्वेटर पे, शॉक्स कहीं भी बनाइए, बहुत ही खूबसूरत और प्यारी सी डिज़ाइन हमारी है। तो इसका मैं बैक पोर्शन दिखाती हूँ। ये देखिए बैक साइड से मेरी डिज़ाइन इस तरह से दिख रही है, बहुत ही खूबसूरत और प्यारी सी हमारी ये डिज़ाइन है। तो आइए आज के इस वीडियो में हम इस डिज़ाइन को बनाना सीखेंगे कि ये डिज़ाइन हमारी कैसे बनेगी। ये देखिए इस डिज़ाइन को बनाने के लिए हमें 16-16 के मल्टीपल फंदे चाहिए और एक हम एक्स्ट्रा रखेंगे तो ये डिज़ाइन हमारी बिल्कुल सेट होगी। तो यहाँ पे मैंने 16 के मल्टीपल 32 और एक एक्स्ट्रा वाला, तो टोटल यहाँ पे 33 फंदे हैं जिसमें मैं ये डिज़ाइन आपको बना करके दिखाती हूँ। तो आइए देखते हैं इसकी फर्स्ट रो। ये देखिए एक हमारा रेड रहेगा, आप वाइट कलर से 1, 2, 3, 4, 5 हमारे वाइट हो गए, 1, 2 फंदे रेड, 1 हमारा वाइट, 1, 2 रेड, 1, 2, 3, 4 और 1, 5 और 5 वाइट के बाद 1 हमारा रेड आएगा। तो ये देखिए मेरा एक पैटर्न बन गया। तो इस एक रेड को छोड़ करके ये 5 फंदे वाइट से लेकर इस एक रेड तक की डिज़ाइन को हम बार बार रिपीट करेंगे। ये देखिए इन्हीं फंदों को मैंने एक बार और रिपीट किया तो हमारी डिज़ाइन ये इस तरह से बन गई है। ये देखिए रो नंबर 2, इसमें ये 1, 2 हमारे रेड से हो गए, 1, 2, 3 फंदे वाइट, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 1, 7। ये देखिए 7 फंदे हमारे रेड के हो गए, 1, 2, 3 हमारे ये वाइट हो गए, 1, 2 फंदे रेड के। तो अब इस एक रेड को छोड़ करके इस एक रेड से लेकर इस 3 रेड तक, ये 2 रेड जो हमारे हैं यहाँ तक हमारी की ये डिज़ाइन रिपीट होगी। ये देखिए इन्हीं फंदों को मैंने फिर रिपीट कर लिया है। तो स्टार्टिंग में देखिए ये 2 फंदे हमारे रेड के हैं और बीच में हमारे ये 3 रेड हो जाएंगे, फिर हमारी पूरी रो में बीच में हमारे 3-3 रेड रहेंगे और यहाँ 7 फंदे रेड, 3 वाइट, फिर 3 रेड, 3 वाइट, 7 फंदे रेड, 3 वाइट और इस तरह से हमारी जब पूरी रो बनेगी तो लास्ट में भी हमारे पास 2 फंदे रेड के आएंगे। ये देखिए रो नंबर 3, इसमें पहले 1 हमारा ये वाइट हो जाएगा, 1, 2 फंदे हमारे रेड, 1, 2 वाइट, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 1, 7। ये देखें ये 7 फंदे रेड के बाद हमारा वाइट, 1, 2 फंदे वाइट, 1, 2 हमारे रेड से और 1 हमारा वाइट। तो इस एक वाइट को छोड़ करके इस 2 वाइट से लेकर इस एक वाइट तक की डिज़ाइन को हम बार बार रिपीट करेंगे। ये देखें इसी डिज़ाइन को मैंने एक बार और रिपीट किया। तो इसे ये देखिए जो 7 फंदे हमारे रेड थे उन्हीं के ऊपर रेड बने हैं, जो यहाँ 3 हमारे रेड थे तो उनके बीच वाला 1 हमारा वाइट हुआ है और दोनों साइड में हमारे 2-2 फंदे रेड के हैं, फिर 2 वाइट हैं और 7 फंदे रेड। तो इस तरह से अब हमारी ये पूरी डिज़ाइन बन गई है। कि देखिए रो नंबर 4, इसमें 1, 2 फंदे हमारे ये वाइट हो गए, 1
दो रेड, एक दो हमारे वाइट, एक दो तीन चार पांच हमारे रेड के, एक दो वाइट, एक दो फंदे रेड, एक दो हमारे वाइट। तो ये देखिए, अब इस एक वाइट हमारा एक्स्ट्रा वाला है और इस एक वाइट से लेकर इस दो वाइट तक की डिज़ाइन यहाँ से यहाँ तक अब हम पूरी रो में रिपीट करेंगे। ये देखिए रो फोर तक हमारी ये डिज़ाइन बन गई। अब हम रो नंबर फाइव में हैं, तो इसमें पहला फंदा हमारा अब एक रेड आ जाएगा और हम वाइट कलर लेंगे, एक दो फंदे वाइट, एक दो फंदे रेड, एक दो हमारे फिर वाइट, एक दो तीन हमारे रेड, एक दो वाइट, एक दो हमारे रेड, एक दो वाइट और एक हम रेड से करेंगे। तो ये देखिए इस तरह से हमारी डिज़ाइन बनी है और इस एक एक्स्ट्रा वाले रेड को छोड़ करके इस दो वाइट से लेकर इस एक रेड तक की डिज़ाइन को हमें पूरी रो में रिपीट करना है। तो यहाँ दो वाइट से हम स्टार्ट करेंगे। अब ये देखिए इस तरह से हमारी ये डिज़ाइन बन गई। तो ये बीच वाले जो फंदे हैं वो दोनों तरफ से एक एक हमारे रेड के कम होते जा रहे हैं और इधर जो है वो दो दो फंदे हमारे, ये देखिए हर बार एक ये रेड जो है ये इस वाइट की जगह आ जा रहा है और फिर हमारा रेड, अब इस तीन वाइट के बीच में हमारा एक रेड फंदा आया है। ये हमारी रो नंबर सिक्स, इसमें ये देखिए एक दो फंदे रेड, एक दो वाइट, एक दो रेड, एक दो वाइट और ये तीन वाइट जो तीन फंदे रेड थे उनके ये बीच वाला फंदा एक हमारा ये रेड ही रहेगा और फिर हम एक दो वाइट, एक दो रेड, एक दो वाइट, एक दो फंदे हमारे रेड के। तो ये देखिए हमारी ये पूरी डिज़ाइन बन गई। तो अब हम एक एक्स्ट्रा वाले इस एक रेड को छोड़ करके यहाँ इस एक रेड से लेकर के इस दो रेड तक की डिज़ाइन को हम रिपीट करेंगे। ये देखिए रो सिक्स हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब हम रो नंबर सेवन पे हैं, इसमें हमारा शुरू में रेड के ऊपर रेड से रहेगा। तो ये एक दो तीन फंदे रेड, एक दो हमारे ये वाइट हो गए, एक दो फंदे फिर रेड के, एक दो तीन फंदे वाइट, एक दो फंदे रेड, एक दो हमारे वाइट, एक दो तीन हमारे रेड के। तो ये देखिए हमारी ये डिज़ाइन बन गई। तो इस एक फंदे को छोड़ करके दो रेड से लेकर इस तीन रेड तक की डिज़ाइन हमें रिपीट करनी है। ये देखिए रो नंबर एट, इसमें ये एक दो तीन चार हमारे रेड से हो गए, एक दो हमारे ये वाइट, एक दो फंदे रेड, एक वाइट, एक दो रेड, एक दो वाइट और फिर हमारा रेड कलर।
एक, दो, तीन और एक चार। तो यहाँ भी देखिए, इस एक फंदे को छोड़ करके तीन रेड से लेकर इस चार रेड तक के डिज़ाइन को हमें रिपीट करना है। ये देखिए रो एक तक मेरी ये डिज़ाइन बन गई। अब यहाँ पे बीच में हमारे जो है वो सात फंदे रेड के हो गए हैं और साइड साइड में ये हाफ अप है। लास्ट में जब रो के आएंगे तो इस तरह से ये चार चार फंदे हमारे लास्ट में रहेंगे और बीच में हमारे सात फंदे। अब हम देखें रो नंबर 9 पे हैं तो इसमें इन रेड फंदों को हमें रेड से ही करना है। एक, दो, तीन, चार फंदे हमारे ये रेड के हो गए। अब हमारा वाइट, एक, दो, तीन फंदे ये वाइट के, एक, दो, तीन हमारे ये रेड हो गए और फिर हमारा वाइट, एक, दो वाइट, और एक हमारा वाइट और हो जाएगा। तो जैसे यहाँ इस साइड हमारे तीन फंदे वाइट थे तो यहाँ भी हमारे पास तीन फंदे वाइट के और फिर हमारा रेड आ जाएगा। एक, दो, तीन और एक चार। तो ये देखिए हमारी एक पैटर्न तैयार हुआ। तो इस एक को छोड़ करके ये तीन रेड से लेकर इस चार रेड तक की डिज़ाइन को हमें पूरी रो में रिपीट करना है। ये देखिए रो नंबर 10, इसमें हमारा एक वाइट आ जाएगा, एक, दो हमारे रेड से, एक, दो, तीन, चार, पांच हमारे वाइट, एक हम रेड से करेंगे, एक, दो, तीन, चार, पांच फंदे वाइट, एक, दो हमारे रेड और एक हमारा वाइट। तो इस एक वाइट को छोड़ करके दो रेड से लेकर इस एक वाइट तक की डिज़ाइन हमें पूरी रो में रिपीट करनी है। यहाँ से दो रेड से लेकर इस एक वाइट तक। ये देखिए रो 10 तक मेरी डिज़ाइन एक बन गई। अब हम रो नंबर 11, तो रो नंबर 11 में हमें सारे फंदों को वाइट कलर से ही बनाना है, इसमें हमारा रेड कलर नहीं लगेगा। रो नंबर 11 हम पूरी वाइट से बनाएंगे और जो हमारे रेड फंदे हैं इनको थोड़ी थोड़ी दूर पे फंसाते चलेंगे क्योंकि अगली बार फिर हम बैक साइड से ये डिज़ाइन हमारी बनेगी। तो ये रो पूरी हमारी इस तरह से ये वाइट से ही रहेगी। इन सारे फंदों को हमें रेड को फंसा देंगे थोड़ा थोड़ी दूर पे और वाइट कलर से बनाते जाएंगे। ये देखिए रो नंबर 1 से लेकर के रो नंबर 11 तक मेरी ये एक डिज़ाइन बन गई। अब हम फिर बार बार रो नंबर 1 से लेकर के रो नंबर 11 तक की डिज़ाइन को रिपीट करेंगे। तो एक बार पहली बार देखिए मैंने राइट साइड से डिज़ाइन स्टार्ट की थी, अब जब दूसरी बार आएंगे तो हमारी बैक साइड से। तो एक बार डिज़ाइन हमारी राइट साइड से स्टार्ट होगी और दूसरी डिज़ाइन जो है वो रॉन्ग साइड बैक साइड से स्टार्ट होगी। तो जैसे मैंने रो 1 बताया था सेम वैसे ही बनेगा। तो एक बार हम बना के दिखा देते हैं। तो रो 1, तो एक हमारा रेड, अब हमारा वाइट कलर, एक, दो, तीन, चार, पांच हमारे वाइट और फिर हमारा रेड, एक, दो फंदे रेड, एक वाइट, एक, दो रेड और एक, दो, तीन, चार, पांच हमारे वाइट हो गए और एक हमारा रेड। तो जैसे रो 1 में कर रहे थे, इस एक फंदे को छोड़ करके
पांच फंदे वाइट से लेकर एक रेड तक की डिज़ाइन हमें पूरी रो में रिपीट करनी है। ये देखें, मैंने बैक साइड से रो वन कंप्लीट कर लिया है। अब जब हम सीधी तरफ आएंगे तो रो नंबर टू हो जाएगा। तो इस तरह से रो नंबर वन से लेकर के रो नंबर इलेवन तक की जब हमने बार बार डिज़ाइन रिपीट की है तो हमारी देखिए इस तरह से डिज़ाइन बन के आई है। ये देखिए, ये 11 सिलाइयों को मैंने जब बार बार रिपीट किया है तो कितनी खूबसूरत मेरी ये डिज़ाइन बन के आई है। मेरा वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट करके बताइए कि ये डिज़ाइन आपको कैसी लगी। थैंक यू।